ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे चढ़ा दिए कढ़ाई, इसमें डाल दिया तेल और ये जीरा, ये डाल दिया हींग और ये गरम तेज पत्ते और ये क्या थी, बड़ी इलायची और ये है सूखा धनिया। आज हम बना रहे हैं आलू और पापड़। आलू पापड़ जो कि आलू की सब्जी तरी वाली और उसके साथ मैदा से बने हुए पापड़ आप लोगों ने खाए होंगे। अगर नहीं खाए हैं तो आप कमेंट में करके बताना कि आपने नहीं खाए हैं, तो आप हमारी पूरी रेसिपी देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वो मेरी वीडियो पर नए हैं, आप देखिए हमने प्याज लहसुन हरी मिर्च ये डाल दी है और अब इसमें पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और साथ में मैं कपड़े भी धो रही हूँ। ये देखिए मैंने मशीन लगा रखी है, ये कपड़े धुल रहे हैं। ये देखिए ये पानी आ रहा है मशीन के अंदर और ये फुल ऑटोमेटिक है जिसमें कपड़े अपने आप ही धुल जाते हैं। बस हमें सर्फ डालना पड़ता है और नल का पानी की टूटी में लगाना पड़ता है, बाकी अपने आप धुल के सूख जाते हैं इसी के अंदर। इस आप सभी को ही पता है पर फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए धुल रही, ये हमारी बनके तैयार हो गई चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी। ये देखिए तैयार हो चुकी है और अदरक प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च सब चीज़ हमने इसमें डाल दी है। देखिए ये देखिए प्याज भून के हो गई है तैयार। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम टमाटर। ये डाल दी हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्च और ये भुना हुआ क्या है, अमचूर। अमचूर डाल दिया, ये भुना हुआ मसाला मैंने भून के रखा था घर में। इसमें काली मिर्च थी और जीरा और ये टमाटर डाल दिया। पजामा तो हो जाएगा ना धोने के बाद। पानी ऐड करेंगे, पानी तो डाल, आलू ऐसे डालेंगे सूखा ही। और ये हम यहाँ पे धनिया डाल रखा है धो के काट के, ये धनिया डाल देंगे बाद में। और ये पापड़ के लिए हमने आटा भून के रख रखा है, ये आटा गूंदा हुआ रखा है। इसके अंदर हमने वो डाली है अजवाइन और थोड़ा सा नमक, ठीक है। मैं इसको ढक देती हूँ, जब बनाएंगे जब थोड़ी देर में, जब तक ये सही से सेट हो जाएगा। इनके रख रखे हैं, ये देखिए ये आलू उबले हुए रखे हुए हैं और हमने पहले ही उबाल लिए थे। अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे
इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। ये देखिए मसल कर कसूरी मेथी डाल रहे हैं, ये डाल देंगे। और यहाँ पे आलू अब मसल के डाल देंगे हाथ से ही। ये देखिए आलू यहाँ पे मसल के डाल रहे हैं हाथ से ही। चाकू से काटने से मोटा मोटा रह जाएगा तो हाथ से अच्छी तरह से मसला जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, देखिए पूरा मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके, पानी डाल देंगे। ये एक लोटा डाल दिया हमने पानी, बस अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। क्योंकि पापड़ के साथ थोड़ी तरी वाली सब्जी बनती है, क्योंकि पापड़ को उसको मैं डिप करके खाते हैं। और ये मेरी छोटी सी ही है रसोई, ये देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग से काट के कोई सामान नहीं रखती, एक साथ ही काट लेती हूँ क्योंकि जगह ही नहीं होती रखने की, क्या रखूँगी इससे छोटी सी सिली। ये देखिए ये मेरी रसोई है छोटी सी।